पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। एक दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्याता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है।
कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जोन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे MSME सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे MSMEs में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। MSME की परिभाषा का विस्तार किया गया है। नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5,00,000 करोड़ की गारंटी स्वीकृति की गई। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गांव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने UPI से रिकॉर्ड 1,200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18,00,000 करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है।
दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 3.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है।